जो भी है, मुझे आपका ये अंदाज अच्छा लगा। अपने साथ वो फूल जरूर लेते आएगा। भाई वाह, आज तो हमारी बेटी का मूड बहुत अच्छा है। लगता है कि बादल छट गए। बाबा आपको पता है मैं पेंटिंग तब करती हूँ जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है। बाबा ये कलर्स मेरी जिंदगी में बहुत बहुत चेंज लाते हैं। लाइक आई जस्ट लव देम। चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारी बेटी का मूड इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम बाप बेटी कुछ डिस्कस कर। पापा मुझे शादी वादी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है। आपको और मामा को क्या हो गया? लाइक ऑल द टाइम बस यही बातें करते थे, शादी कर लो शादी कर लो। अगर मैं आप लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो मुझे किसी हॉस्टल में डाल दीजिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो वफा कि मैं तुम पर कभी फोर्स नहीं करता और ना ही मैं किसी दूसरे को तुम पर फोर्स करने की इजाजत दे सकता। तुम्हारी मामा जो है ना, वो तुम्हारी शादी तय करना चाहती है और वो एक दो प्रपोजल्स की बात कर रही है। अगर 10-15 दिन में मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो फिर वो मजीद वेट नहीं करेगी। वो मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि माँ बेटी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुम अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद करो। अभी 10-15 दिन है बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कोई ऑप्शन चुन लो और मैं ये तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जो कुछ तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा तुम्हारी खातिर। तुम खुद फैसला कर लो बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुमसे पूछे बगैर तय किए जाएं, तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा। पापा मैं क्या करूँ? मैंने इस बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लो, तुम्हारी नज़र में अगर कोई मुनासिब लड़का है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। वक्त कम जरूर है लेकिन इतना भी कम नहीं है। तुम अपने फैसले से हमें आगाह कर दो वरना फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारी मामा की बात मानने पर कि तुम्हारे लिए बंटी के अलावा कोई दूसरा प्रपोजल हमारे पास है नहीं। यार शाहरुख जी, भाई बाकी का काम तुम संभाल लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाऊंगा। चलें ठीक है, आप आराम करें, मैं इंशाल्लाह सब संभाल लूंगा। वैसे भी मुझे आज लग रहा था आपका काम में ध्यान नहीं है, भाई भी बहुत लेट गया सुबह, लेकिन आप टेंशन नहीं लें, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। सही भाई, खुदा हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। बजाय इसके कि तुम अपनी सच्चाई साबित करते और झूठ के खिलाफ आवाज उठाते, तुमने तो सजीला से शादी करने का वादा कर लिया। सजो लेने में तुम, मेरा मतलब है आप? हाँ वो मैं। रात में अम्मी ने ना मुझे बहुत डांटा इस बात पे। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं तुम्हें यानी आपको आप कह के बुलाऊं, लेकिन क्या करूं, ज़बान है ना फिसल जाती है। बचपन से हम साथ रहे हैं, बेतकल्लुफी की ना आदत हो गई है। अब हम कितने बड़े हो गए लेकिन ऐसा ही लगता है कल की बात है। हम छोटे छोटे से थे और इसी सहन में भागदौड़ करते थे।
तुम मेरे आगे आगे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे, लेकिन कभी तुम हाथ ही नहीं आए। आज आयो हाथ, अब कैसे जाओगे? सचो वो मैं कहना चाह रहा था कि एक और बात याद दिला दी तुमने मुझे, जब हम छोटे से थे और मैं तुमसे चॉकलेट आइसक्रीम छीन के खाया करती थी, तब तुम रो रो के घर सर पे उठा लेते थे और ऊपर से नानी को कंप्लेन भी करते थे मेरी, मुझे कितना डांटती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तो हमारा रिश्ता ही बदल गया है। अब हमारे बीच में जो होगा वो हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि अब हमारी शादी जो होने वाली। क्या आप और शादी शादी की रट लगा रखी है तुमने? कौन सी शादी, किसकी शादी? हेमंत, तुम मेरा मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है? बस करो अपनी ये ड्रामा, बहुत लिहाज कर लिया मैंने बचपन से लेके आज तक, लिहाज ही तो करता है लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी और खुशियों का मामला है। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी और अपनी माँ की खुशियों को भेंट नहीं चढ़ा सकता, सुन लिया तुमने? हेमंत, मैं तुम्हें क्या कर लोगी तुम? अब मैं किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता। आज जाके सबके सामने कुरान पे हाथ रख के कहूंगा कि सब तुम्हारी साजिश थी, मैं तुम्हारी बातों के जाल में फंस गया था, समझ रही हो तुम? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगा, सुन लिया तुमने? बात तो सुनो रहमत, मेरी बात तो सुनो रहमत। तुम्हारी नजर में अगर कोई मुनासिब लड़का है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। तुम अपने फैसले से हमें आगाह कर दो, वरना फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारी मामा की बात मानने पर। बंटी के अलावा कोई दूसरा प्रपोजल हमारे पास है नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वफा। बेटा जरूरी तो नहीं है ना, जिसे हम अपने लिए बेहतर समझते वही हमारे लिए बेहतर हो, और जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो असल में उसी में हमारे लिए बेहतरी छुपी है। मैं जानती हूँ तुम बचपन से ही बंटी को नापसंद करते हो, लेकिन बेटा जरूरी तो नहीं है कि बचपन की यादों को साथ लेकर चला जाए। बंटी बचपन से ही तुम्हें बहुत चाहता है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हाँ मैं मानती हूँ तुम्हें मनाने के चक्कर में कभी कभी वो उल्टी सीधी हरकतें कर जाता है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत सादा है, और ऐसे लड़के बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं। कोई बेवकूफी मत करना वफा। तुम अपने बाप को अपना आइडियल मानती हो, लेकिन जानती हो इतने कॉम्प्लिकेटेड मर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस बात का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? मुबारका मुबारका, चुपके चुपके बात पक्की करवा ली और हमें पता ही नहीं चलने दिया, लेकिन ऐसी बातें चुपकी कहाँ हैं? अब तो आप हमारे साड़ू बन गए। साड़ू पता है ना हमजुल्फ, ये ले मिठाई खाएं इस खुशी में, ये ले। खादिम हुसैन, खादिम हुसैन, ये क्या हो रहा है भाई? हद होती है बेशर्मी और बदतमीजी की, क्या कर रहे हो ये भाई? चलो माना रिक्शे को किराया नहीं देना था, लेकिन उतरते ही फोर हो गए तुम। लेकिन ये सामान, ये सारा सामान कौन उठाता? तुम जैसे मर्दों को बड़ी आदत होती है बीवियों से काम कराने की, लाना तो तुम जैसे शौहरों पर। पकड़ो ये सामान, पकड़ो। असल में रहमत भाई का रिश्ता पक्का होने की खुशी इतनी ज्यादा थी मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता, भाग के आ गया। आहा, मेरी बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा आना था तो मुझे फोन कर दिया होता, इस तरह रक्शे टैक्सी में धक्के खाने की क्या जरूरत थी? मैं रहमत को भेज देती गाड़ी लेके, वो तुम्हें आ जाता लेके। जी खाला जान, मैं भी इनको यही समझा रहा था कि रिक्शे में आने की अब कोई जरूरत नहीं, ख्वार होंगे, गुड़गुड़ करता जाएगा। अब तो रहमत भाई से दो दो रिश्ते हो गए, एक तो मामू के बेटे, ऊपर से साड़ू। भाई साड़ू मेरे, तुम्हारे तो बहनों ही हुए ना। चले अंदर, चलो आओ आओ।
ये देखो ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, बहुत बड़े डिजाइनर के कपड़े हैं। शादी के बाद जब मैं चौथी की दावत पे आऊंगी तब पहनूंगी। हाय अल्लाह सज्जो, ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं। अभी तो तुम्हारी शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई और तुमने इतनी कीमती चीजें मंगवानी भी शुरू कर दी हैं। हो जाएगी फिक्स, और शॉपिंग तो मैंने तब से शुरू कर दी थी जब मैंने रहमत की डायरी पढ़ी थी। वैसे मुझे पता था कि वो मुझी से शादी करे। अच्छा अच्छा, तुम्हें मालूम है अम्मी ने मेरे झूमर का ऑर्डर दे दिया, वो गोल्ड के रेट अच्छे चल रहे थे, क्या पता मेरी शादी तक फिर से बढ़ जाए। क्या, वाह भाई वाह, जब मेरी शादी हो रही थी तो अम्मी को झूमर और पाजेब फजूल खर्ची और दिखावा लगते थे, अब तुम्हारी बारी में सब भूल गई है वो। शायद इसलिए क्योंकि अम्मी का ख्याल है कि लड़की का जहेज और उसके जेवरात उसके ससुराल के औकात के हिसाब से होना चाहिए। इसका जवाब तो मैं अम्मी से अभी पूछती हूँ। अम्मी अब क्या होगा, ये लोग तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो महज रहमत भाई ने शादी के लिए हामी भरी और इन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया। सजीला आप या पप्पू ने तो शॉपिंग कर करके क्या करेंगे ये लोग आगे। अब क्या फर्क पड़ता, देर हो या सवे, रहमत की दुल्हन तो अब सजीला ही बनेगी। मेरे दिल में कितने अरमान थे मेरे अकलौते बेटे की शादी के, सब खत्म हो गया सब। छोड़ो, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। आप तो बरसों पहले ये ठान कर आई थी इस घर में कि रहमत को अपना दामाद बनाकर इस घर पे कब्जा कर लेगी, सो उन्होंने कर लिया। मुझे तो इस बात का दुख है कि वो जो चाहती है कर गुजरती है और हम चाहके भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो रहमत भाई की फिक्र हो रही है, पता नहीं क्यों दादी को ऐसा लगता है कि उन्होंने जज्बात में आके हाँ कर दी है और बाद में जाके वो इनकार कर देंगे इस शादी के लिए, लेकिन उन्हें देखकर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। हाय अल्लाह नानी जान, मुझे इतनी खुशी हो रही है सज्जो और रहमत के रिश्ते के बारे में सुन के कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने तो अम्मी से भी कह दिया, मैंने कहा इस शादी पे तो मैं अपने अरमान जी भर के पूरे करूंगी। आखिर को मेरी तो इकलौती बहन की शादी है ना, और फिर मेरा इकलौता प्यारा मामू का बेटा। अरे हाँ हाँ, कर लेना अपने दिल के सारे अरमान पूरे करना, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल हप्पा, क्यों नहीं, जितना जी चाहे खुशी मनाए, बल्कि मेरी तरफ से तो चाहे तो 2 महीने पहले से खुशियां मनाना शुरू कर दे। मेरा तो इकलौता बेटा है, उसकी खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी, क्यों अम्मा? हाँ भैया, भाई अब तो बच्चों की मर्जी है ना, भाई हमारे बच्चों की जैसी खुशी वैसे हमारी खुशी, हमारा तो सब कुछ इन्हीं बच्चों का तो है। क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे? अम्मी आप उससे बात ना करें, मैं नाराज हूँ आपसे। ऐसा किसने क्या कह दिया? किसने मुझे क्या कहना है, मैं इस घर में किसी गिनती में आती हूँ? आप जाने और आपकी बेटी जिसे इतना कुछ मिल रहा है। अरे खुलकर बताओ, बात क्या करना चाह रहे? अम्मी मेरा मुंह मत खुलवाएं आप,
अपने शोहर और ससुराल वालों की खातिर मैं मिठाई का डब्बा लेके या मुबारकबाद देने आ गई। मेरी जगह कोई और होता ना तो अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद पलट कर यहाँ का रुख भी नहीं करता। किसने कर दी तुम्हारी बेइज्जती? आपने की है मेरी बेइज्जती आपने। मुझे पता भी नहीं चलने दिया और आपने सजीला की बात पक्की कर दी। मुझे एतमाद में नहीं लिया लेकिन कम से कम अपने बड़े दामाद को तो पूछ लेती, झूठे मुंह ही पूछ लेती। जैसा भी है निखट्टू है खपती है कंगाल है तो आपका बड़ा दामाद ही ना। लेकिन नहीं, अभी तो आपको कोई नजर नहीं आएगा सिवाय आपके छोटे दामाद के, इसलिए क्योंकि उसके पास जायदाद है, चलता हुआ कारोबार है और गाड़ी भी है। हो गया बस। देखो अकीला, वो तुम्हारी छोटी बहन है, जीती है, समझ जाएगी। आई बात समझ में या समझाऊं? हेमंत, क्या बात है बेटा? सुबह जब तुम घर से निकल के गए थे तो बड़े खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब वापस आए हो तो मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ उलझ से गए हो। खैरियत तो है, क्या बात है बताओ? अरे भाई, हमने तो समझा था कि हमारे बेटे ने आज फैसला कर लिया होगा और आज वो हमें बताएगा कि क्या फैसला किया है। नहीं दादू, मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता? मैं ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा जिससे मेरे अपनों की दिल आजारी, उनको दुख पहुंचे। मैं सजीला को खुद इनकार करना चाह रहा था लेकिन सबको देखकर सब इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश थे, तो मैं चाहकर भी इनकार ना कर सका। सब कौन सब? अरे भाई, हम सब तुम्हारी खुशी में खुश हैं। तो ठीक है दादा, अगर आप लोग मेरी खुशी में खुश हैं, मेरी खुशी इस घर से है। मैं नहीं चाहता कि इस घर में मजीद हंगामा। आप ही आप अपने मियां को समझा दीजिए कि वो अपनी हद में रहें। उठने बैठने की तमीज तो उन्हें पहले भी नहीं थी लेकिन वो इस कदर गए कि उसने निकलेंगे मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसा क्या कह दिया खादिम हुसैन ने कि तूफान सर पे उठा के ले आई हो? अम्मी मत पूछ, हानिम भाई के मुंह में अनशन जो आता है वो बोल देते हैं। क्या जरूरत थी उन्हें मुंह फाड़ के सबके सामने बोलने की कि मेरी शादी में इन लोगों का जो खर्चा होगा वो सब रहमत के सर पे होगा, और इतने फखर से बोल रहे थे गोया उनका हक बनता हो, पागल कहीं के। अरे अरे अरे, हक बनता है मेरे शौहर का। तुम क्या चाहती हो? तुम इस घर पर अकेले ऐश करो? ये मेरे भी मामू का घर है, बल्कि उससे पहले मैका है, और जब ऐसे मौके हो ना तो मैके वाले ही बेटियों के सारे खर्च उठाते हैं। कोई अपनी खुशी और मर्जी से करे तो वो और बात है, पर ये क्या बात हुई कि बंदा बेशर्मों की तरह फरमाइशें करता फिरे।